हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नजराना और आज हम होली स्पेशल आपको ठंडाई ड्रिंक बनाकर बताएंगे जो हम सबको बहुत ही पसंद आती है। गर्मियां भी शुरू हो गई हैं और होली भी आ गई है, तो चलिए फिर क्यों ना बनाई जाए ये ठंडाई ड्रिंक। ठंडाई ड्रिंक मैं आपको दो तरह से बनाकर बताऊंगी, इसे बच्चे भी पीना बहुत ही पसंद करते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती है, तो चलिए पहले हम इसका मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम गैस पर फ्राई पैन रखेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर गैस ऑफ कर देंगे। हम जो भी ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, हमें सिर्फ उसका मॉइस्चर हटाना है, उसको हमें ड्राई रोस्ट नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर आधा कप काजू लिए हैं, आधा कप बादाम लिए हैं, 1/4 कप हमने यहाँ पर पिस्ता लिया है और अब हम इसमें 4 चम्मच हमने इसमें मेलन सीड्स लिया है, 1.5 चम्मच यहाँ पर हमने सौंफ ली है। देखिए फ्राई पैन इतना गर्म नहीं है कि हमें इसे चम्मच से चलाने की ज़रूरत पड़े, अभी हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। 1 चम्मच हम यहाँ पर ब्लैक पेपर लेंगे और 2 चम्मच हम यहाँ पर पॉपी सीड्स यानी खसखस लेंगे। आधा कप हमने यहाँ पर गुलाब की पत्तियाँ लिए हैं, जिनको हमने पहले ही सुखा लिया था। इन पत्तियों में थोड़ी सी नमी रह गई थी, इसलिए हम इन्हें भी ड्राई फ्रूट्स के साथ ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इनका बारीक पाउडर बनाना है। 1/4 चम्मच हम यहाँ पर ग्रीन इलायची लेंगे, इलायची का छिलका हमने निकाल दिया था और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा केसर लेंगे। अगर आपके पास केसर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पर हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। गैस का फ्लेम तो हमने ऑफ कर ही दिया था, लेकिन गर्म पैन में ये देखिए कितने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। हमने इन्हें ड्राई रोस्ट नहीं किया था, सिर्फ गर्म पैन में ही हमने इन्हें डाला था। तो चलिए अब हम इनका पाउडर बना लेते हैं। तो चलिए पहले हम इसका पाउडर बना लेते हैं, हमें इसमें पानी नहीं ऐड करना है। आप चाहे तो एकदम बारीक पाउडर भी बना सकते हैं और अगर चाहे तो इसको हल्का दरदरा भी रख सकते हैं। तो हम इसका बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे, हल्का दरदरा ही हमें इसे पीसना है। तो चलिए पहले इसे एक बार हमने ये देखिए ग्राइंड कर लिया है और अभी हमें इसे एक बार और मिक्सर में हल्का ग्राइंड करना है। एक बार फिर हम इसे वापस ग्राइंड करेंगे और ये इस तरह से हमें इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। इस पाउडर को आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, 15 से 20 दिन तक आप इस पाउडर को फ्रिज में रख सकते हैं, ये खराब भी नहीं होगा। अगर आप बाहर रखेंगे तो ये ड्राई फ्रूट्स की वजह से बाहर खराब हो जाएगा और इसमें हल्का कड़वापन आ जाएगा। और ये पाउडर अच्छे से बनकर तैयार है। तो अभी एक चीज़ हमें इसमें और मिक्स करनी है, जो है जायफल और दालचीनी का पाउडर, जो हमने पहले से ही बारीक करके रखा है। 1/4 चम्मच हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए फिर ठंडाई मसाला तो तैयार है, अब हम आपको ठंडाई ड्रिंक भी बनाकर बता देते हैं। तो चलिए अब ठंडाई ड्रिंक बनाने के लिए हम एक जूसर ले लेते हैं। और अब हम इसमें 2 चम्मच ठंडाई का पाउडर ऐड करेंगे। आप अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पीना चाहते हैं तो आप इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप इसमें बर्फ भी डाल सकते हैं, आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस ड्रिंक को एकदम नॉर्मल बनाऊंगी। 2 चम्मच हम यहाँ पर शक्कर ऐड करेंगे और 1 गिलास दूध ऐड करेंगे। पाउडर दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए 10 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। तो चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं।
और ये देखिए ठंडाई ड्रिंक बनकर तैयार है। तो चलिए एक ग्लास के अंदर हम इसे डाल देंगे। आप चाहे तो आप इस ड्रिंक के अंदर आइस क्यूब डालकर भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। और ये देखिए ठंडाई ड्रिंक बनकर तैयार है। तो चलिए इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं गुलाब की पत्तियों से और ड्राई फ्रूट से। आप चाहे तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। आप इस तरह से ठंडाई पाउडर बनाएंगे तो आप कभी भी बाहर से ठंडाई नहीं मंगाएंगे। आप इस पाउडर को बनाकर फ्रिज में रखिए, ये ख़राब नहीं होगा। भूलकर भी आप इस पाउडर को बाहर मत रखिए, क्योंकि बाहर रखने से इसका जो फ्लेवर है वो भी चेंज हो जाएगा और इसमें हल्का कड़वापन आ जाएगा, क्योंकि इसमें सब ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इसे बाहर मत रखिए। और ये देखिए ये ड्रिंक बनकर तैयार है। तो चलिए अब दूसरी तरह से ड्रिंक बनाकर बता देते हैं आपको। तो अभी हम आपको बनाकर बताएंगे मैंगो ठंडाई ड्रिंक, जिसके लिए हमने एक मैंगो को यहाँ पर बारीक पीसेस के कट कर लिए हैं। तो ये देखिए जूसर में हम इन पीसेस को ऐड करेंगे और 2 से 3 चम्मच हम इसमें पाउडर ऐड करेंगे। और 2 चम्मच हम यहाँ पर शक्कर ऐड करेंगे। आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप शक्कर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। और 1 गिलास हम यहाँ पर दूध ऐड करेंगे। इसे भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए कितना प्यारा सा कलर इसका आया है। और ये ठंडाई ड्रिंक भी बनकर तैयार है। इसे भी हम 1 गिलास में सर्व कर लेंगे और इसे भी थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। हल्की सी गुलाब की पत्तियां डालनी हैं, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हमने यहाँ पर कट करके रखा है, इसे भी हम इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। पाउडर बनाने का एक और फायदा है कि अगर गर्मियों में घर में मेहमान आ जाते हैं तो आप इस तरह से ठंडाई बनाकर उनको दे सकते हैं। तो देखिए ये बनकर तैयार है होली स्पेशल ठंडाई ड्रिंक। होली पर आप ये ड्रिंक बनाकर सबको पिलाइए। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी होली। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंस अगेन हैप्पी होली।